जाना है, ना सूरत जाना है, ना पंजाब जाना है। अपना नौकरी अपना सर्विस जिंदाबाद। तो हाँ जी दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा व्यापार के बारे में जो कि आप कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी गली चौराहे नुक्कड़ पर आप खोलकर और अपना रोजगार चला सकते हैं। तो ये है भैया का चना बेचते हैं, जहाँ पे आपको बताएंगे कि कितने लागत में इन्होंने शुरू किया और कैसा इनका व्यवसाय चल रहा है और आप भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग आए हैं एक भैया के यहाँ जो कि सबको चना नहीं सेहत खिलाते हैं। क्यों भैया जी? अपना शुभ नाम बताइए। राजेश कुमार गुप्ता। अच्छा, तो ये जो चना का व्यापार है ये कब से कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। कब शुरू किया था, किस साल में? 2002 में किए थे। 2002 में किए थे, ठीक। तो इस व्यापार को करने के टाइम कितना पैसा लगाए थे आप, लागत लगाए थे इसमें? अच्छा, उस समय हम लगाए थे 13 रुपया केजी चना ला रहे थे। 13 रुपया केजी। और आज क्या भाव है? आज 100 रुपया किलो भी है, 200 रुपया किलो भी है, 70 रुपया किलो भी है। तो आप कौन सा खिलाते हैं सबको? 70 रुपया केजी। 70 रुपया केजी चना। तो ये काम लगभग 20 साल करते करते हो गया। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई नया व्यापारी करना चाहे तो वो कैसे शुरू कर सकता है इस काम को? इस काम को कोई भी शुरू कर सकता है। अच्छा, कैसे? चना खरीदिए, फुलाइए, सलाद पे खीरा लाइए, मूली लाइए, गाजर लाइए और दुकान खोल दीजिए ठेरिया पर। अच्छा, रेहड़ी पे बेचिए। तो लगभग कितनी की कमाई हो जाती है आपकी? लगभग 700-800 रुपया। रोज का अपना जीविका चल जाता है इससे? हाँ, हाँ। तो 700-800 रुपया बेच लेते हैं। हाँ। तो ये चना का काम जो है कि रात से ही शुरू हो जाता है, तो कितने बजे रात को ये फुला देते हैं चना? होना चना फुलाते हैं 9 बजे रात को, सुबह में छानते हैं 5 बजे। 5 बजे। और लगाते कितने बजे ठेलिया को? सुबह में 5:30 बजे, बढ़ाते हैं 12 बजे। 5:30 बजे लगा देते हैं यहाँ पे, 12 बजे बंद करते हैं। अच्छा, रोजाना लगभग कितने कस्टमर आपसे खा लेते होंगे चना? ग्राहक का कोई ठीक नहीं है। फिर भी अंदाजन? अंदाजन मान के चलिए 100 आदमी। 100 आदमी। तो इस व्यापार से जैसे कि जो लोग हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य को लेके, तो लोग ज्यादा आते होंगे आपके यहाँ? हमारे यहाँ जिम का लोग आते हैं, मास्टर लोग आते हैं। अच्छा। कोचिंग वाले लड़के आते हैं। अच्छा। बैंक वाले लोग आते हैं, पुलिस सिपाही लोग आते हैं जी, और भी लोग खाते हैं। जो लोग पेट के रोगी हैं वो भी। अच्छा, ये व्यापार करते हैं तो कितना लागत लगाए हैं अभी फिलहाल, बता सकते हैं कुछ? अभी मैं 600-700 रुपये लगाया। 600-700 रुपये। क्या क्या है कुछ बताएंगे उसके बारे में? हाँ, गाजर है। अच्छा। टमाटर है। अच्छा। और प्याज है। अच्छा। चुकंदर, प्याज और खीरा भी दिख रहा है। और टमाटर भी है। अच्छा। कच्चा चना भी है अंकुरी। अच्छा, तो ये सब ले के 600-700 का आपका माल है। ठेलिया कितना बनवाने में लग जाता है? बनवाने में 15,000 रुपया खर्चा देते। 15,000, यानी लोग अगर 20,000 रुपया लगाएं तो ये धंधा शुरू कर सकते हैं। जी, ओके। तो 20,000 रुपये में आप कहीं भी, आप स्टेशन के आसपास या जिम के आसपास ये धंधा शुरू कर सकते हैं आसानी से। और ये ऐसा बिजनेस है ना कि सभी लोग पसंद भी करते हैं। तो अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा है इस लाइन में? इस लाइन में बढ़िया अनुभव। मास्टर इस लाइन का मास्टर है। अच्छा, आप मास्टर हैं, कैसे कुछ बताइए? कैसे कि हम बचपन से बेच रहे हैं। अच्छा, बचपन से। और बाल पकने लगा। यही अनुभव हमारा। हाँ, बिल्कुल यही अनुभव है। कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसे आपको उतार चढ़ाव जिंदगी में आई और अभी भी आप लगे हुए हैं इसके। ये जो है कि चक्का चल रही है ट्रेन की। हाँ। और चलती ही जा रही है। इसको छोड़ना नहीं है, डब्बे को छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कितना पढ़े हैं फिर भी? एक भी नहीं पढ़े हैं। दिल्ली में जाएंगे काम करने के लिए, 10,000 रुपया देगा, बिल्कुल बिल्कुल खटाएगा गधा की तरह। टाइम से कंपनी जाना है, टाइम से आना है। हाँ। आना है तो खाना बनाना है, खाना है। और ये अपना धंधा अपने हाथ का है। हाँ। तो महीने में कितने दिन खोलते हैं, कितने दिन बंद रखते हैं इसको? हम साल में
होली के दिन बंद रखते हैं, नहीं तो बाकी दिन बंद नहीं रखते। मतलब पूरा एकदम लगातार खिलाते हैं। अरे वाह। अगर मेरी कोई शरीर में प्रॉब्लम आती है जी, या मेरे परिवार में, हाँ, तभी हम बंद करते हैं, नहीं तो नहीं बंद करते हैं। अच्छा, इसलिए कि हमारा रोज का कुआं है, इसी जरूर खोदना है, बिल्कुल, रोज पानी पीना है। ये ऐसा बिजनेस है कि आप कहीं भी देखिए, ये भैया जो कि स्टेशन रोड पे बेच रहे हैं और काफी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये पहली बात तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बढ़िया है, किसी प्रकार का हानिकारक नहीं है, क्यों भैया जी? स्वास्थ्य के लिए कैसा है ये चीज? एकदम फिट है। एकदम फिट है। तो देख लीजिए, इस तरीके का व्यापार है जो कि कोई भी कहीं भी शुरू कर सकता है। ऑलराउंडर है भैया भी बता रहे हैं। कोई कंपनी में काम नहीं करना, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना है, खुद का काम खुद के हाथों में, खुद की राजा खुद की राजा। अरे वाह, बहुत ही शानदार। तो ये भैया ने बताया, काफी अच्छा बताया। और ये अगर आप धंधा करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं।